हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड एकेडमी। आज हम जिस कार्ड को डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अ वेरी डिफरेंट क्रेडिट कार्ड एंड इंडिया में ऐसे बहुत कम कार्ड्स हैं। ये सभी जानते हैं कि इट इज इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस कार्ड। इनफैक्ट इट इज नॉट अ क्रेडिट कार्ड बट अ चार्ज कार्ड। तो ये कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड। इट्स अ कार्ड डिजाइंड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस फॉर लग्जरी लवर्स। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कार्ड को सिर्फ एज अ सुवेनियर या स्टेटस सिंबल के लिए इस कार्ड को लेते हैं इंडिया में। एंड एमेक्स का ऐसे कार्ड्स को लॉन्च करने का वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिविजुअल फील स्पेशल। वो ये ट्राई करते हैं कि आपके पास ऐसे ऑप्शंस और एक्सक्लूसिविटीज अवेलेबल हों जो आइडियली हर किसी को नहीं मिलती। वी वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारी टीम मेंबर्स के पास ये कार्ड काफी टाइम से है एंड वी हैव शेयर्ड आवर डिटेल्ड एक्सपीरियंस इस वीडियो में। आज आपको ऐसी डिटेल्स जानने को मिलेंगी इस कार्ड के बारे में जो आपको इस कार्ड को यूज करने के बाद ही पता चलती है। अब इस कार्ड के डिटेल रिव्यू के लिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड दैट इज ज्वाइनिंग फी, वेलकम बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी, एक्सक्लूसिव फीचर्स एंड बेनिफिट्स, स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स एंड ओवरऑल एनालिसिस। शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी से। सो इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 60,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, यानी 70,800 रुपीज। सो इट्स ऑब्वियस कि ज्वाइनिंग फी इज वेरी हाई, एंड जनरली जब ज्वाइनिंग फी इतनी होती है तो वी ऑल थिंक कि क्या वेलकम बेनिफिट से इसकी कॉस्ट की रिकवरी हो पाएगी या नहीं। तो जो स्टैंडर्ड वेलकम बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलते हैं वो है 1 लाख एमआर पॉइंट्स या 45,000 रुपीज की वर्थ के ताज वाउचर्स। जितनी ज्वाइनिंग फी है, ताज के वाउचर्स कोई सेंस नहीं बनाते क्योंकि आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी। बट विद 1 लाख एमआर पॉइंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स को स्मार्टली यूज करते हैं देन डेफिनेटली आप एक बेटर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रैवलिंग एंड होटल बुकिंग्स। एंड एज पर आर पर्सनल एक्सपीरियंस वी वुड लाइक टू टेल यू कि आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 1 लाख एमआर पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। आपको एमेक्स की तरफ से मेल आ सकती है कि मे बी वो आपको एक्स्ट्रा 15,000 या 25,000 पॉइंट्स ऑफर कर रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ हो, बट हमने कई बार ये होते हुए देखा है। अभी रिसेंटली हमारे नोन पर्सन को एक ईमेल आया था एमेक्स की तरफ से जहां उन्होंने 15,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफर करे थे। आप ये मेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमिंग बैक टू वेलकम बेनिफिट्स, अगर कार्ड इश्यू होने के 2 महीने के अंदर आप 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको ये वेलकम बेनिफिट्स 6 to 8 weeks के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। अब क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जो एमेक्स फॉलो करता है रिगार्डिंग दीज एक्स्ट्रा एमआर पॉइंट्स? तो अगर आप एमेक्स के एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर हैं या फिर आपका काफी अच्छा रिलेशन है एमेक्स के साथ, देन दिस माइट पुट यू अहेड ऑफ अदर्स। सो आर एडवाइज इज कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज अगर आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफर होते हैं देन देयर इज नथिंग लाइक इट। तब आप ऐसी पोजीशन में होंगे जहां आप अपनी ऑलमोस्ट कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस कार्ड के रिन्यूअल फी की। तो इस कार्ड की रिन्यूअल फी भी 60,000 रुपए प्लस जीएसटी है और इस कार्ड पर आपको कोई भी रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता, बट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो अमेरिकन एक्सप्रेस आपको इस कार्ड पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ तो नहीं करता, लेकिन आपको बहुत बार रिटेंशन बेनिफिट जरूर ऑफर करता है। जैसे रिसेंटली हमें 25,000 रुपए की वर्थ के ताज वाउचर्स एज रिटेंशन बेनिफिट ऑफर किए गए थे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये ध्यान रखें कि रिटेंशन बेनिफिट से आपकी रिन्यूअल फी रिकवर नहीं होगी। एमेक्स के कार्ड के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप सभी को पता ही है, बट इस स्पेसिफिक कार्ड के लिए इनकम ब्रैकेट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 25 लाख या उससे ऊपर होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एनुअल इनकम 15 लाख या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब क्या एमेक्स 25 लाख के ब्रैकेट को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है? वेल, अगर आप एमेक्स के एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर हैं या फिर आपका पास्ट में काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है एमेक्स के साथ, आपके स्पेंस भी अच्छे हैं, तो आपके पास चांस है कि एमेक्स आपको बिलो आस्क्ड इनकम ब्रैकेट से भी कार्ड इशू कर दे। एंड हम ये भी शेयर करना चाहेंगे, टू गेट दिस कार्ड इशूड आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्रीमियम कार्ड लाइक HDFC, Infinia एंड Access Magnus। अब जो हम फीचर्स एंड बेनिफिट्स डिस्कस करने वाले हैं, दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल टू दिस कार्ड द मोस्ट। एंड ये कुछ ऐसे स्टैंड आउट फीचर्स हैं जो आपको किसी और कार्ड पर मिलना काफी मुश्किल है। तो आपका पहला एक्सक्लूसिव बेनिफिट है कि आपको कई होटल्स के मेंबरशिप के एलीट टायर का एक्सेस मिलता है। ऐसे होटल लॉयल्टी प्रोग्राम के एलीट टायर का हिस्सा होने के लिए आपको काफी स्टेज एंड बुकिंग्स करनी पड़ती है। एमेक्स प्लैटिनम फ्रॉम डे वन आपको एक्सेस दिलवा देता है टू सच एक्सपेंसिव मेंबरशिप। तो इसके अंडर जो आपको मेंबरशिप मिलती है वो है ताज रीइमेजिन्ड एपिक्योर, मैरियट बॉनवॉय गोल्ड एलीट स्टेटस, हिल्टन ऑनर्स गोल्ड स्टेटस, रैडिसन रिवॉर्ड गोल्ड स्टेटस एंड हर्ट्ज गोल्ड प्लस रिवॉर्ड्स। जस्ट टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, आपको मैरिट बॉनवॉय गोल्ड एलीट स्टेटस की मेंबरशिप 25 स्टेज के बाद मिलती है एंड हिल्टन की आफ्टर 28 स्टेज, एंड विद प्लैटिनम यू गेट एक्सेस इंस्टेंटली। सेकेंड बेनिफिट में एमेक्स विद इन अ ईयर आपको टाइम टू टाइम ऑफर सर्कुलेट करता है। हियर आर सम एग्जांपल्स सो दैट यू विल गेट टू नो कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। फर्स्ट, 100% कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट।
तो प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स को 15,000 से 30,000 के बीच में एक स्पेंड बेस्ड ऑफर आया था, जिसमें आप जो स्टेटेड अमाउंट है उतने अमाउंट का स्पेंड करें अगर फ्लिपकार्ट पर तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। सेकंड इज एटिहाड बिजनेस टू फर्स्ट क्लास अपग्रेड। आपको काफी लंबे टाइम तक एटिहाड फ्लाइट्स पर फ्री अपग्रेड बिजनेस टू फर्स्ट क्लास ऑफर हो रहा था। इसमें आपके PNR पर और जो भी लोग हैं उनको भी ऑफर किया जा रहा था, बट अब ये ऑफर नहीं दिया जा रहा। नेक्स्ट इज ताज वाउचर्स वर्थ ₹10,000 ऑन ए बर्थडे। अभी लास्ट ईयर से ही अमेरिकन एक्सप्रेस ने सभी प्लैटिनम कार्ड होल्डर्स के लिए ₹10,000 की वर्थ का ताज वाउचर देना शुरू करा है उनके बर्थडे पर, और ये बेनिफिट अभी भी मिल रहा है। नेक्स्ट इज ट्रू फिट एंड हिल सलॉन्स पर आपको 100% कैशबैक मिलता है अप टू ₹2,500 पर क्वार्टर। ये बेनिफिट भी आपको आज की डेट पर मिल रहा है। नेक्स्ट इज स्पेशल इनवाइट ओनली इवेंट्स। अमेरिकन एक्सप्रेस कुछ इनवाइट ओनली इवेंट्स करता है मेजर इंडियन सिटीज में, जैसे 2019 में इनवाइट ओनली इवेंट्स दिल्ली NCR में विस्की सांबा एंड इनक्यू नाम के लाउंज एंड रेस्टोरेंट्स में इनवाइट ओनली इवेंट्स किए थे, जिनमें फ्री में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इनवाइट दिया गया था आपको और आपके साथ एक गेस्ट को फॉर डिनर विद कॉकटेल्स का। ऐसे वो जनरली साल में 5 से 6 इवेंट्स करते थे, बट कोविड के बाद से उन्होंने ऐसे इवेंट्स नहीं करे। नेक्स्ट इज ताज वाउचर्स ऑन डोमेस्टिक ट्रैवल। अगर प्राइमरी या सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स प्लैटिनम ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल कॉन्सर्ज के थ्रू 1,00,000 या उससे ज्यादा की डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड होटल बुकिंग्स करते हैं तो आपको ₹30,000 की वर्थ के ताज वाउचर्स मिलते हैं। ये बेनिफिट्स एक साल में एक ही बार अवेल किए जा सकते हैं और ये ऑफर अभी भी वैलिड है। नेक्स्ट इज स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन होटल्स एंड फ्लाइट्स। तो प्लैटिनम चार्ज कार्ड के साथ आपको प्रीमियम होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स पर भी डिस्काउंट मिलता है। जैसे आपको ओबेरॉय होटल्स पर स्वीट कैटेगरी ऑफ रूम्स की बुकिंग पर 50% डिस्काउंट मिलता है, एंड नॉन स्वीट कैटेगरी ऑफ रूम्स में आपको 1 रात का कॉम्प्लीमेंट्री स्टे मिलता है 2 रात की बुकिंग्स पर। ताज होटल्स में आपको 30% डिस्काउंट मिलता है स्वीट्स पर, एंड नॉन स्वीट्स पर आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। विस्तारा पर भी आपको 15% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास टिकट पर। ये डिस्काउंट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अमेरिकन एक्सप्रेस की प्लैटिनम ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल कॉन्सर्ज के थ्रू बुकिंग्स करेंगे। तो हमने अभी तक जो आपको ये ऑफर्स बताए हैं, ऐसे ऑफर्स एमएक्स रन करता रहता था ऑन रेगुलर इंटरवल्स। अभी काफी टाइम से काफी अच्छे ऑफर्स जैसे फ्लिपकार्ट 100% कैशबैक, स्पेशल इनवाइट ओनली इवेंट्स, एटिहाड फर्स्ट क्लास अपग्रेड जैसे ऑफर्स अभी इस कार्ड पर नहीं मिल रहे हैं। पहले जितने अच्छे ऑफर्स अब आने बंद हो गए हैं, एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड फॉर दोज जो इंटरेस्टेड हैं इस कार्ड को लेने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट इज कॉन्सियर्ज सर्विस। एमएक्स ग्लोबली जाना जाता है अपनी कॉन्सियर्ज सर्विस के लिए। आपने बहुत फेमस स्टोरी सुनी होंगी कि कैसे एमएक्स के एम्प्लॉयज अपने कस्टमर्स की स्ट्रेंज से स्ट्रेंज डिमांड फुलफिल करते हैं, बट वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि इंडिया में एमएक्स की कॉन्सियर्ज सर्विस कुछ खास नहीं है। इट्स ट्रूली अ लेटडाउन। आइडियली यस, इंडिया में किसी भी कार्ड इश्यूअर की कॉन्सियर्ज सर्विस कुछ खास नहीं है, बट एमएक्स से एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन थी, एंड एज पर आवर एक्सपीरियंस दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव अप टू दैट। नेक्स्ट बेनिफिट इज डाइनिंग बेनिफिट्स। विद एमएक्स प्लैटिनम यू गेट Easy Diner Prime Membership। ये membership throughout the year आपको 50% discount दिला देती है on the listed restaurants। And Platinum Exclusive Dining Reimagined offer के under काफी premium restaurants and 5-star hotels के restaurants पर आपको 25-50% का discount मिलता है। Next is Airport Lounge Access। प्लैटिनम कार्ड पर प्राइमरी कार्ड होल्डर्स एंड सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स को काफी लाउंजेस के ऑप्शंस मिलते हैं। आप इस कार्ड के थ्रू मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 एंड दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पर प्राइमरी कार्ड होल्डर्स और सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स दोनों ही 2 गेस्ट लेकर जा सकते हैं अपने साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलाइक मोस्ट लाउंजेस, यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री अल्कोहल भी सर्व की जाती है। इस कार्ड पे एमएक्स के एक्सक्लूसिव सेंचुरियन लाउंजेस का भी एक्सेस मिलता है जो भी इंटरनेशनल लोकेशंस पर ही है, बट काफी प्रीमियम लाउंजेस होते हैं ये। कभी आप बाहर जाएं जहां सेंचुरियन लाउंज हो तो जरूर विजिट करें। फिर प्राइमरी कार्ड होल्डर्स एंड सप्लीमेंट्री कार्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी पास भी दिया जाता है, जिस पर आपको ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंजेस पर एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप इंडिया में प्रायोरिटी पास के थ्रू लाउंज एक्सेस करते हैं तो वो चार्जेबल होता है। बाकी आपको सभी प्लाजा प्रीमियम, डेल्टा, लुफ्टांजा एंड एस्केप लाउंजेस का भी एक्सेस मिलता है। अभी और भी काफी बेनिफिट्स हैं एमएक्स प्लैटिनम चार्ज कार्ड के। अभी हमने सिर्फ मेजर नॉन बेस्ड बेनिफिट्स ही डिस्कस किए हैं। मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, गोल्फ प्रिविलेजेस, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, बैगेज लॉस, प्राइवेट चार्टर बुकिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कई बेनिफिट्स की डिस्कशन हमने अभी नहीं की है। अब बात करते हैं प्लैटिनम चार्ज कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको हर ₹40 के खर्च पर 1 EMA पॉइंट मिलता है। अगर आप रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको 5x
MR पॉइंट्स मिलते हैं एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर 3x MR पॉइंट्स मिलते हैं। एंड फ्यूल स्पेंस की बात करें तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 5 MR पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स वेरी गुड कंसिडरिंग कि फ्यूल स्पेंस जनरली काफी कम रिवॉर्डिंग होते हैं। अगर पॉइंट रिडेम्पशन की बात करें तो यूजुअली आपको हर 1 MR पॉइंट पर 50 पैसे की वैल्यू के ताज वाउचर्स मिल सकते हैं। और अगर आप इंस्टेंट वाउचर्स लेते हैं तो आपको पर पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा मिलती है एक्सेप्ट फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के केस में आपको एक पॉइंट की वैल्यू 33 पैसा मिल जाती है। आप सिलेक्टेड परचेजेस को पॉइंट से स्टेटमेंट क्रेडिट की फॉर्म में रिडीम करा सकते हैं और आपको 25 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है। सिमिलरली पे विद पॉइंट्स के ऑप्शन से आप कुछ प्लेटफॉर्म पर पे कर सकते हैं जहां आपको 25 पैसा पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है। इन सभी के अलावा आप MR पॉइंट्स को एयरलाइंस एंड होटल्स के माइल्स और पॉइंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैरियट बॉनवॉय में ट्रांसफर करने पर आपको हर 100 MR पॉइंट्स पर 100 मैरियट बॉनवॉय पॉइंट्स मिलते हैं। कतार एयरवेज पर हर 500 MR पॉइंट्स पर 250 एवियोस मिलते हैं। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। अब अगर माइल्स की वैल्यू की बात करें तो वो काफी वेरिएबल है। आप कब इन्हें यूज कर रहे हैं, कौन सी एयरलाइन या होटल में यूज कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं एंड कौन सी क्लास ऑफ फ्लाइट्स या कैटेगरी ऑफ रूम में कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पर पॉइंट अराउंड 30 पैसे से 1.50 रुपए तक की वैल्यू मिल सकती है। अब बात करते हैं स्पेंड बेस्ड बेनिफिट से कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आप कैशबैक में रिडेम्पशन कर रहे हैं तो आप मिनिमम 0.625% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप काफी रिवॉर्ड मल्टीप्लायर यूज करते हैं और रिडेम्पशन में भी माइल्स में ट्रांसफर करते हैं तो आप इवन 7-8% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं। मोस्टली लोगों का इस कार्ड को लेने का मेन क्राइटेरिया सिर्फ रिवॉर्ड रेट ही नहीं होता। दो कैटेगरीज के लोग होते हैं जो इस कार्ड को लेते हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे कार्ड ये सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि इस कार्ड की नोवेल्टी बहुत ज्यादा है एंड इट्स अ स्टेटस सिंबल। इट प्रोवाइड्स यू द सेम फीलिंग जो आपको एक अल्ट्रा लग्जूरियस कार ओन करने पर आती है एंड मोर ओवर यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इनर सर्कल, जैसे एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एक्सक्लूसिव प्रीमियम डिनर इनवाइट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आपका एंड गेम इज टू एंजॉय एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द बेनिफिट्स दैट इज ऑफर्ड टू दिस कार्ड एंड उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स इतना मैटर भी नहीं करते। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका गोल इज टू अचीव अफोर्डेबल लग्जरी जो आप अदरवाइज बिना इस कार्ड के नहीं कर सकते। नाउ सच एन इंडिविजुअल विल डेफिनेटली बी वेरी कॉशियस अबाउट रिडीमिंग देयर पॉइंट्स। ऐसे कार्ड होल्डर्स रिवॉर्ड मल्टीप्लायर को काफी डिलीजेंटली यूज करेंगे जैसे 5x MR पॉइंट्स एंड इवन फ्यूल स्पेंस पर भी अच्छा रिटर्न मिलता है। वो अपने 1,00,000 पॉइंट्स बहुत स्मार्टली यूज करेगा टू रिकवर देयर ज्वाइनिंग फी एंड विल ट्राई हार्ड फॉर क्लेमिंग रिटेंशन बेनिफिट्स। एट द एंड ऑफ द डे जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें विदाउट एनी डाउट बेटर रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी। सो इन आर एक्सपीरियंस इट्स अप टू द कार्ड होल्डर कि वो किस माइंडसेट से इस कार्ड को अप्रोच करते हैं। ओवरऑल काफी सारी डिटेल्स थी इस कार्ड में कवर करने के लिए एंड वी होप हम काफी अच्छे से काफी सारी डिटेल्स कवर कर पाए। हमारा रिकमेंडेशन यही है बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस कार्ड आप अपनी इंटेंशन और अप्रोच क्लियर रखें कि आपको क्यों और कैसे इस कार्ड को यूज करना है। और ये करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर क्रेडिट कार्ड, ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव एंड लग्जरी ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड है। एमेक्स अपनी टारगेट ऑडियंस को लेके काफी क्लियर है। एमेक्स ने इस कार्ड के फीचर्स, बेनिफिट्स और ज्वाइनिंग फी काफी स्मार्टली स्ट्रक्चर किए हैं एंड दिस कार्ड गिव्स यू बोथ द ऑप्शंस। आप एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके और बात रही रिवॉर्ड पॉइंट्स की तो आपको डेफिनेटली मौका मिलता है टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। जो एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेज है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत टाइम से बहुत अच्छे एमेक्स प्लैटिनम कार्ड पे इंटरनल ऑफर्स रोल आउट नहीं हो रहे हैं एंड वी होप कि एमेक्स इन्हें जल्दी से रिज्यूम कर दे। ऐसे ऑफर्स आर लिटरली जो इस कार्ड को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। हमारे ओपिनियन में जो HNIs हैं या ऐसे लोग जो इसे एज अ स्टेटस सिंबल रखना चाहते हैं वो इस कार्ड को बेझिझक ले सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें इस कार्ड से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है एंड उनका गोल लग्जरी बेनिफिट्स है वो इस कार्ड को ले सकते हैं, बट अगर उन्हें रिटेंशन बेनिफिट अच्छा नहीं मिलता है तो उन्हें 1 साल में ही इस कार्ड को बंद करवा देना चाहिए। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड को रेट करेंगे 3.5 out of 5 स्टार्स। अगर इस कार्ड पर पहले जैसे रोलिंग ऑफर्स होते तो हम इस कार्ड को मे बी 4.5 स्टार्स रेट करते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।